गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा एक अध्यक्ष विमल गुरुङले आफ्नो मतदान केन्द्र पातलेबास सामुदायिक भवनमा मतदान गरे पश्चात पत्रकारहरूलाई यसरी सम्बोधन गरेका छन्। गुड मर्निङ विमलजी, नमस्ते, गुड मर्निङ। ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে বিমল গুরুং তিনি আবারও ফিরে এসেছেন এবং তিনি এই বিধানসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে পাহাড়ে রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন, ফলে স্বাভাবিকভাবেই পাহাড়ের রাজনীতিতে দাঁড়িয়ে বিমল গুরুংয়ের এই ভোট দান করবে বা বিমল গুরুং হাজির হওয়া তার ভোট দেওয়া সেটা অবশ্যই একটা दाजु को 2017 से बात हो सबसे पहले यहाँ पर आए हैं। आपको बताइए तो अभी बहुत अच्छा है, अभी यहाँ काम हो ठीक है, खुश हूँ और हम लोग ऐलान जो कि काम कर रहे हैं अच्छा होगा रिजल्ट और हमारा विन होगा यहाँ पर। बीजेपी का कोई फैक्टर है? ना ना नहीं है, बीजेपी उतना फैक्टर नहीं, उतना फैक्टर नहीं है। लेकिन आप बहुत दिन से बीजेपी के साथ अलायंस में था? आगे था, हम लोग 2007 से 2019 तक था, लेकिन इसने जो भी हमारा ऊपर में जो विश्वासघात किया इसलिए हमने छोड़ दिया साथ। अभी तो हम लोग टीएमसी के साथ हूँ, गठबंधन पहाड़ तराई और अभी काम किया है अच्छा और अच्छा रिजल्ट ही होगा। तो पहाड़ में किस साल कांग्रेस का आड़ी, आड़ी, आड़ी। अच्छा होगा, ये बंगाल में अच्छा हुआ, बंगाल में अच्छा रिजल्ट। और दिनेश जी का टीम और आपका टीम दोनों में जो वोट में ये जो वोट का डिवीजन हो होने में बीजेपी का कोई फायदा नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, ये अपना अपना फील्ड है, अपना अपना जो मेरा जितना भी फॉलोअर है मेरे जितना भी जो गांव क्षेत्र में आप आ जाइए अच्छा रिस्पॉन्स आपसे भी बात करेंगे और उसका जो छल का राजनीति घाट का राजनीति जो है उसका रिजल्ट अच्छा ही देगा। लास्ट सवाल, आप अपना ही इलाका में पातलेबास में आए हैं पूरा फैमिली के साथ, आपका कितना खुश लग रहा है आपके? ना ना बहुत खुश हूँ क्योंकि यह हमारा अधिकार है, गणतांत्रिक अधिकार है, तो अभी हम लोग वोट डालते हैं, अभी पूरा दार्जिलिंग का लेंगे और तराई डुवर्स का भी अभी नगर बिमल गुरु हमारे साथ फिलहाल गोरखा जनमुक्ति मोर्चा वन के प्रेसिडेंट बिमल गुरु हैं। दाजू आप वोट डालने आए हैं सुबह सुबह ही, साथ में आपकी पत्नी भी आई है, पूरा परिवार एक साथ पहुंचा यहाँ पे वोट डालने के लिए, एक लंबे गैप के बाद आप पहाड़ में लौटे हैं, लेकिन इस बार जो है चुनाव बहुत अलग है क्योंकि आप ही के पार्टी के दो फैक्शन हो चुके हैं, कितना चुनौती भरा है ये चुनाव? आगे भी दो फैक्शन होकर आगे भी मैंने उसको हरा दिया था, ये 2019 बाई इलेक्शन में भी 56,000 वोट से हरा दिया था और 4,50,000 वोट में एनपी में हरा दिया था, तो अभी अच्छा हम लोग रिस्पॉन्स है, अभी तो फील्ड में है, हम लोग काम किया है पहाड़ तराई डुवर्स में अच्छा काम किया है और गांव घर क्षेत्र में और मेरा पसंद है अच्छा पार्टी का अच्छा है अच्छा हो गया। इस बार जो है थोड़ा सा अलग है ये चुनाव क्योंकि आज तक आप बीजेपी को जिताते आते रहे हैं पहाड़ में, बीजेपी अकेला आज तक चुनाव नहीं लड़ा है लेकिन इस बार आपके बिना वो चुनाव लड़ रहा है जेएनएफ के साथ। अभी बीजेपी हराएंगे, बीजेपी को हराने के लिए अभी मैं अपना कैंडिडेट दिया है तो हराएंगे। इस बार तृणमूल कांग्रेस ने इन तीन सीटों पर कोई कैंडिडेट नहीं दिया है, आपके लिए छोड़ दिया है, आपके अलायंस पार्टनर से कितना कॉन्फिडेंट है आप जीतेंगे इस बार? अच्छा अच्छा तो निर्वाचन जे मानुषटार ऊपर सबथेके बेशी नजर थाके বিমল গুরুং, सकाल सकाल तिनि सस्त्रीक एसेछेन पातलेबासे भोट दिते। দাজু गुड मर्निंग, एक तो मौसम इतना बढ़िया है, आप सुबह अपने पति के साथ यहाँ पर आई है वोट डालने, क्या रुझान है पहाड़ के लोग क्या सुबह सुबह ही आते हैं ऐसे वोट डालने? हाँ मैं तो सुबह आती हूँ और अच्छा भी रिस्पॉन्स है पहाड़ तराई डुवर्स में और हम लोग अच्छा से रिजल्ट जीतेंगे ये मकसद लेकर हम लोग आए हैं, तो अभी पहाड़ में तो ये अभी भारतीय जनता पार्टी है
और हमारा फैक्शन भी मजबूत है और हम लोग निकल जाएंगे। अच्छा दाजू, 2019 की अगर चुनाव को देखा जाए तो आपकी गैर हाजिरी में वो चुनाव हुआ था और इस बार पातलेमास बल्कि आप दार्जिलिंग में रहेंगे, ये अहम चुनाव है, दिन भर आपका क्या कार्यक्रम रहेगा? हाँ, मैं थोड़ा सब जगह का जायजा लेना पड़ेगा, दार्जिलिंग कालिम्पोंग का चयन तराई डुवर्स का सबका रिजल्ट तो लेना ही पड़ेगा। इसलिए मैं ऑफिस में बैठ कर काम करूँगा और दो चार जगह जाऊँ जाके हम काम करेंगे। चौथी तरफ चुनाव तो देखे थे कि वहाँ पर एक तरीके से दाग दाग हुआ था कुछ बिहार में, केंद्र बल की गोली में चार लोगों की मौत हुई है। इस बार के चुनाव पर जो फिफ्थ फेज के चुनाव है, एक तो इलेक्शन कमीशन और दूसरी केंद्र बल, दोनों की भूमिका लोग को लेकर आप क्या कहेंगे? वो लोग का अपना काम है, ड्यूटी है, वो करेगा ही और हम लोग का वोट डालना है करेंगे, लेकिन हम लोग दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए, इसका विरोध में। एक और अहम चीज, जरा नतून तादेर के टिकट दिए छे तो सेटा की आपनार पक्षे अनेक इजीयर हबे? हां, क्या है ना, हम लोग का जितना भी कैंडिडेट दिया है, अच्छा कैंडिडेट दिया है, तो समाज सेवी थे, एजुकेटेड थे, सबको लेकर हम लोग और उसने जो किया है वो उसका अपना तरफ से दिया है, लेकिन हमारा तरफ से दिया है वो बहुत अच्छा कैंडिडेट दिया है, वो निकलेगा, जरूर निकलेगा, उसका रिस्पॉन्स बहुत